दोस्तों आज हम नहीं, मैं कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे तो सिर्फ ये बताइए। एक्चुअली मैं ये भी भारत में साइंटिस्ट का फॉलोअर हूँ। मैं लाइट दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्रिएटिव एंड हार्डवेयर का फॉलोअर्स हूँ। 5 महीना से मैं क्रिएटिव एंड हार्डवेयर को फॉलो कर रहा हूँ। तो आज एक दुकान में सीसी कैमरा इंस्टॉल हो रहा है, तो उसके लिए मैं प्रैक्टिकल देखने के लिए आया हूँ साथ ही साथ। और इससे पहले सर मुझे व्हाट्सएप में, यूट्यूब में बहुत मुझे बहुत हेल्प किया था, तो इसलिए मैं प्रैक्टिकल कुछ सीखने के लिए सर के पास आया हूँ। आसाम से आया हूँ, ढोकरी से। मेरा नाम है अबू हनीफ अहमद। तो मैं अभी सीसी कैमरा इंस्टॉल करना प्रैक्टिकली देखने के लिए सर के साथ आया हूँ। तो गाइस, मैं आज एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, मतलब कि लास्ट में एक सब्जेक्टिव वीडियो बनाऊंगा कि DVR को कैसे सिंपल तरीके से कैसे ऑनलाइन किया जाता है, तो वो मैं बनाऊंगा। और आज जो काम होगा वो आपको दिखाई देगा, ये ब्लॉग होगा, डेली ब्लॉग करके बराबर। तो मैं आज सर मुझे थ्योरी किया है, उससे बाद मैं आज प्रैक्टिकल के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर एक बॉक्स है, 4x4 बॉक्स, टॉप पर दिखाओ, टॉप को। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक दुकान में मिलता है, तो इस बॉक्स इलेक्ट्रिकल दुकान में, तो उसमें कैमरा लगाएंगे। तो कैमरा मैं खोल रहा हूँ, ये कैमरा है। और इसके अंदर से ये वायर जाएगा, तो ये मैं पहले इसे सा लेता हूँ। ऐसे ऐसे फिक्स करना होगा, ठीक है। तो गाइस, ये डोम कैमरा का बेस है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये 4x4 बॉक्स की जो कवर है उसमें छेद बनाया है उन्होंने, मैं बोले थे उसको, जैसे वो ऐसे किए। और इसमें अब स्क्रू लगाएंगे और कैमरा को यहाँ पे लगाएंगे, तो ये ठीक सेट हो जाएगा। तो लगाइए, ये स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, लगाइए, वो वाला नहीं है। प्रेस कर दो, प्रेस। चारों तरफ ब्लॉक है, ठीक है, लग चुका है, ठीक है। अब उठा के दिखाओ। तो गाइस, अब देखिए ये उन्होंने लगाया है, बोलिए कैसे लग रहा है दोस्तों को, कमेंट्स करने के लिए बोलिए। हेलो, एक्चुअली मैं ये फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ। पहले तो थ्योरी सर का वीडियो देखा था, तो आज प्रैक्टिकली देख रहा हूँ। तो ये वीडियो अगर आपको, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट्स लाइक जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो पूरा तक पूरा देखिएगा। मैं आज खुद अच्छे सर के हेल्प से कर रहा हूँ, तो आप अच्छा। एक्चुअली सर ने मुझे असमिया में बात करने के लिए बुलाया है, तो मैं असमिया में बात कर रहा हूँ। তো প্রথমতে DVR চারিটা কানেকশন নাট আসে, ইয়াতে একটা নাট আসে, ইয়াতে একটা, আর এইফালে ব্যাকফালে সাইড। এই চারিটা নাট আমি অলরেডি খুলি লৈছো, তারপর
এটু খুলিলো। এতিয়া হার্ড ডিস্কটো কানেক্ট করি। এইটো হার্ড ডিস্কটো এতিয়াও সিলপেকে আছে, খোলাই নাই। এটু জোরে বলি। उधर देख ना लगे उसमें, ठीक है। ऐसे इसमें इसे खींचने से निकाल जाता है। हार्ड डिस्क तो खुली लो। तो प्रथम मैं हार्ड डिस्क यहाँ पे फिक्स कर लूँ। ऑन साइड तो इधर था कि को কানেক্টর, ডাটা কানেক্টর। এইটো অলপ টাইট একচুয়ালি। তারপর আছে পাওয়ার কানেক্টর, এইটো পাওয়ার। তো পাওয়ার আর ডাটাটো মই লগালো। এতিয়া মই হার্ড ডিস্ক কানেক্ট কানেক্ট দিম। স্ক্রু গো লাগালো পেলে, স্ক্রু গো পেলে লাগা দো। আচ্ছা ঠিক আছে, তো স্ক্রু গো ঠিক আছে। তো গাইস আপনি দেখা কি উনি অসমে এসে বাত কর রহে আর उन्होंने ये सब खोला, चार स्क्रू जो खोला था और ये हार्ड डिस्क लगाया। जिस तरफ कनेक्टर है उस तरफ उसका कनेक्शन साइड लगाया और ये हार्ड डिस्क को अभी फिट करेंगे यहाँ पे। तो हार्ड डिस्क का जो बैक साइड है उसमें चार स्क्रू उसको लगाना होगा, तो वो लगा रहा है अब, देखिए। और अच्छे से वो पीछे जाएगा थोड़ा सा, हाँ ठीक है। একচুয়ালি মই এইটো ফার্স্ট টাইম ইনস্টল করে আছো, এই কারণে অল্প খেলিমেলি লাগি আছে। নাট সাইডটা লগাওয়া হয়ে গেল। এটা মই কানেক্টর দুটা লগাই দিম। এটা হল পাওয়ার, এইটো ডেটা। তো গাইস আপনি দেখা ইয়ে উনি হার্ড ডিস্ক লাগা দিয়া বিলকুল আচ্ছে সে, ও মানে জেসে লাগায়ে থে তো এসে উনি লাগা দিয়া আর আব ও কভার লাগানে যা রে আপ লোক দেখ সকতে তো কভার কো দেখ কে লাগানা হোগা আপকো বতাইয়ে আপ। হ্যাঁ কভার তো এইটো প্যানেল তো এইখানে লাগিব, এনে কই আগতে এই আখড়টো লগাইলাম, এনে কই লগাওয়ার পিছত এটো লাগাইব বহাই দিম। यहाँ पे तार बाहर आया है, इसे अंदर दे दो। अंदर डालना होगा। अच्छा ठीक है, अब करो।
ठीक है लगाओ। বস এতিয়া নাট চাইকেল লগোৱা হৈ গ'ল, ডি বি আৰ ইনষ্টল হাৰ্ড ডিস্ক ইনষ্টলেশ্যন অ'কে, এতিয়া বাকী কাম কৰিম। এতিয়া এছ এম পি এছ আৰু কেবল ডিটেইলছ তো মই অলপ আগৰ থিয়ৰী মোতাবেক অলপ কৈ আছোঁ। এতিয়া কেবলত আপোনাৰ চাৰিটা ভিতৰত চাৰিটা থাকে, তাৰে এটা হ'ল অডিঅ' আৰু দুটা হ'ল পাৱাৰ, তাৰে এটা হ'ল পজিটিভ এইটো নেগেটিভ, আৰু এইটো কেমেৰাৰ কাৰণে, কেমেৰা এইটো নেগেটিভ এইটো পজিটিভ, চাৰিটা কানেক্টৰ থাকিব। এইটো হ'ল অডিঅ', এইটো নেগেটিভ পাৱাৰ, এই দুটা হ'ল পাৱাৰ, এইটো নেগেটিভ এইটো পজিটিভ, আৰু এইটো হ'ল কেমেৰা, কেমেৰাৰ এইটো নেগেটিভ এইটো পজিটিভ, কেমেৰাৰ ভিতৰত আৰু দুটা থাকে এই দুটা। तो गाइस मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि ये देखिए ऑडियो के लिए है, एक ग्रे कलर का वायर और एक येलो कलर का वायर आया है जो कि पावर के लिए है, और एक रेड कलर का वायर आया है जो कि पावर के लिए, मतलब रेड और ये येलो में आप पावर नेगेटिव पॉजिटिव इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये कलर का जो मेन वेरिएशन होता है कि आपको रेड में पॉजिटिव डालना होता है और येलो में नेगेटिव, तो आप इसे पलट करके भी डाल सकते हैं, पर हर एक कनेक्शन में सेम करना होगा। और गाइस ये उसके साथ एक कनेक्शन मिल रहा है, ये ऐसे कनेक्शन को हम लोग को एक्सएल कहते हैं, और इसका ये जो सीपी प्लस का वायर है ये 100% कॉपर का वायर है, तो इसमें सीसीटीवी केबल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 3+1 को एक्सएल वायर, ठीक है। तो गाइज और ये जो कैमरा का कनेक्शन है ये मतलब बीच में आप देख सकते हैं, जो ये जो वायर दिखाई दे रहा है तो ये वायर है डाटा प्लस के लिए मतलब कैमरे के लिए, और ये कैमरा का डाटा माइनस के लिए है मतलब यहाँ से सिग्नल जाता है, ठीक है। और अब समझाइए इसमें और क्या क्या लगता है, कैमरा डीवीआर ये सब बोलिए। कैमरा डीवीआर, ये डीवीआर है, ये चार तो कैमरा है, इसमें ये बुलेट कैमरा है और ये तीन डॉम कैमरा है, तो अभी ये चार उसमें तो एक्चुअली कोई आसो ये डीवीआर और चारिटा कैमरा आसे, তাৰে এইটো হ'ল বুলেট কেমেৰা ডাঙৰটো, এইটো মানে আপুনি বহুত দূৰৰ বস্তু এটা কেপচাৰ কৰিব পাৰে, আৰু বাকী তিনিটা হ'ল ডম কেমেৰা। তো এই কেমেৰাকেইটা ৰান কৰাৰ কাৰণে এছ এম পি এছ লাগে, তো এছ এম পি এছ এইটো ডিভিআৰ হ'ল 8-পৰ্টৰ ডিভিআৰ, তো 8-পৰ্টৰ ডিভিআৰ আমি লগাইছোঁ এইকাৰণে নেক্সট টাইম যদি আমি আৰু কেমেৰা লগাব লাগে তেতিয়াহ'লে আৰু ডিভিআৰৰ কোনো কিনাৰ প্ৰয়োজন নাই, জাষ্ট কেমেৰা আনি ইয়াতে লগাব পাৰি। আৰু এই কেমেৰা ৰান কৰাৰ কাৰণে এছ এম পি এছ লাগে, তো এইটো হ'ল ফক্সিনৰ এছ এম পি এছ, ইয়াতে 12-ভল্ট ডি চি 8.33 এম্পিয়াৰ, এইটো 5 ৱাটৰ হয়, 10 ৱাট হয় চৰি নে 100 ৱাট, হাণ্ড্ৰেড ৱাটৰ হয়। তো এই 100 ৱাট আমি নেক্সট টাইম আৰু কেমেৰা লগালে আমাৰ এইটো এছ এম পি এছ দিয়ে কাম হৈ যাব, আৰু যদি আমি চাৰিটা কেমেৰাৰ কাৰণে এছ এম পি এছ ইউজ কৰোঁ তেনেহ'লে 5 এম্পিয়াৰৰ হ'লেও চাৰিটা কেমেৰা আমি চলাব পাৰিম। এইটো এতিয়া ইয়াতে কানেক্টৰবিলাক আছে, এইটোত আমি 8টা লগাব পাৰিম, 8টা কেমেৰা লগাব পাৰিম। তো এইখিনি আৰু বাকী এতিয়া আমি ৱায়াৰখিনি ৱাইৰিং কৰিম, তাৰপিছত বাকী तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 8 चैनल डीवीआर है,
ठीक है। और यहाँ पे एक बुलेट कैमरा है और यहाँ पे तीन ड्रोन कैमरा है और ये 8 फुट का लगा हुआ है, लगा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बाद में अगर चाहे तो स्विफ्ट कैमरा खरीद के और वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने उसके लिए डीवीआर को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए 8 चैनल डीवीआर उन्होंने लिया है। और ये है आपका 10 एम्पियर का SMPS है, पर यहाँ पे एक्चुअली जो मिल रहा है मेरे को वो है 8.33 एम्पियर मैक्सिमम, और ये 12 वोल्ट का DC आउटपुट देता है और ये 100 वाट का है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मतलब हर एक कैमरे के लिए सिंगल कनेक्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बराबर, और ये देखिए पहले है नेगेटिव, उसके बाद है पॉजिटिव, V-V+, V-V+ करके ऐसे कनेक्शन बना हुआ है यहाँ पे। तो गाइस इसमें आप 8 कैमरा लगा सकते हैं, मतलब पावर सप्लाई दे सकते हैं इसमें से 8 कैमरा पे। और अब ये लोग जाएंगे, मतलब ये सब जाएंगे वायर को मतलब वॉल में सेटिंग करने के लिए, ये भी जाएंगे, इसका नाम है सुमन, ये काफी दिनों से मेरे यहाँ काम कर रहा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है, रिफिलिंग वगैरह सब बिल्कुल अच्छे से करता है और मेरा हर एक वीडियो देखता है पर कमेंट्स नहीं करता है, ठीक है, पर ये तो कमेंट्स करता है हर एक वीडियो में, तो इसके लिए थैंक यू और बहुत दूर से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ और भी ब्लॉग बनाऊंगा, मतलब कि लॉन्ग ब्लॉग होगा ये, और उन्होंने मेरे को बहुत कुछ गिफ्ट दिया है तो वो सब भी मैं दिखाऊंगा क्या क्या मेरे को दिया है, ठीक है। तो गाइस चलिए अभी वायर को मतलब ये यहाँ पे वॉल आप देख सकती है, तो वॉल में सेट करना होगा, बाहर भी सेट करना होगा, या ये एक शॉप है मोबाइल का, जेरोक्स का, और यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग भी होता है। तो गाइस यहाँ पे सब जगह पे लगाना होगा और ऑनलाइन भी करूंगा, तो ऑनलाइन का एक सब्जेक्टिव वीडियो बनाऊंगा मेरे लिए, और दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा कि उसमें कैमरा को कैसे आप डीवीआर में कनेक्ट करते हैं, वो सिंपल वीडियो होगा 5-7 मिनट का होगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये इन्होंने सब लगा दिया, सब कनेक्शन भी यहाँ पे कर दिया है, आप देख सकते हैं CP+ आया है और यहाँ पे SMPS का पावर सप्लाई भी मतलब लगा दिया, VGA केबल लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, माउस भी कनेक्ट कर दिया। और कैसे करते हैं ये तो मेरा वीडियो है वो आप देख सकते हैं, और ये डेली ब्लॉग है तो इसलिए डिटेल में नहीं जाऊंगा। और यहाँ पे BNC भी लगा दिया और ये वायर के थ्रू जा रहा है, ये वायर से देख सकते हैं आप, यहाँ से जा रहा है और वहाँ पे एक कैमरा कनेक्टेड है, और मैं इस घर में जाके आपको दिखाता हूँ, मतलब ये एक शॉप है तो यहाँ पे देखिए वो दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पे एक कैमरा है और यहाँ पे एक कैमरा है और बाहर मतलब बाहर एक कैमरा है। तो गाइस चलिए, और गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिक्चर आ चुके हैं, तो ये जो कैमरा मतलब उल्टा पुल्टा दिख रहा है तो ये सबको आपको ठीक करना होगा, मतलब हम लोगों को ठीक करना होगा, और मतलब कि ये देखिए उल्टा हुआ है पिक्चर, तो इसे सीधा करना होगा, और यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है पर ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है। ये चालू नहीं हो रहा है तो गाइस अब यहाँ पे नेट को लगाएंगे और उसका दूसरा वीडियो बनाएंगे, और यहाँ पे कुछ पासवर्ड मैं नहीं डाल रहा हूँ तो ब्लैंक होगा, नहीं यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा, तो मैं TRK123 डाल रहा हूँ और यहाँ पे भी TRK123 डाल रहा हूँ, तो ये एंटर और इसे ओके कर दूंगा, पर ये मॉनिटर प्रॉब्लम हो रहा है मॉनिटर में। तो गाइस उस मॉनिटर में प्रॉब्लम हो रहा था तो इसलिए दूसरा लगा दिया, और अभी यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल के इसे ऑन करूंगा और ये कर दिया सब कुछ, और अब दूसरा पार्ट बनेगा उसका, मतलब वो मतलब मेरा वीडियो बनेगा, और ये तो ब्लॉग है तो उसमें मैं ऑनलाइन कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा। और सब लोग एक बार बाय कह दो, हेलो बाय।